Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसों कल्याण सीएमसी बाय इलेक्शन की डेट डिक्लेयर 20 मई 2022 को वार्ड नंबर 25 सीएमसी बाय इलेक्शन होगा। बसों कल्याण सीएमसी वार्ड नंबर 25 के काउंसलर को डिस्क्वालीफाई किए जाने पर बाय इलेक्शन किया जा रहा है। नंबर 25 के काउंसलर रवि गायकवाड़ एमएलए बी नारायण राव के निधन के बाद बसों कल्याण में एमएलए बाय इलेक्शन किया गया। एमएलए बाय इलेक्शन के वक्त वार्ड नंबर 25 के कांग्रेस काउंसलर रवि गायकवाड़ ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन किया था। उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट मीर अजहर अली नवरंग ने डिप्टी कमिश्नर को 26 जुलाई 2021 को कंप्लेन किया था। इसके बाद डीसी ने 20 नवंबर 2021 को वार्ड नंबर 25 के काउंसलर रवि गायकवाड़ को डिस्क्वालीफाई किया। डिस्क्वालीफाई करने के बाद वार्ड नंबर 25 का सीएमसी बाय इलेक्शन 20 मई 2022 को डिक्लेयर किया गया है। 20 मई को वार्ड नंबर 25 का सीएमसी इलेक्शन होगा और 22 मई को बाय इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। यात्री निवास पार्क में बेंचेस के पास पड़े बियर बॉटल, जिससे वॉकिंग के लिए आने वाले लोग परेशान। बसों कल्याण सिटी के खुबा कॉलेज के पास मौजूद यात्री निवास पार्क में नामालूम बदमाशों ने आए दिन पार्क में बैठकर बियर पीकर बॉटल वहीं फेंक कर जा रहे हैं, जिससे वॉकिंग को आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्रिनिवास पार्क में हर दिन महिलाएं, बुजुर्ग और युवा इस पार्क में सुबह और शाम वॉकिंग के लिए। ARK गिरी सिल्क एंड सारी, राज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लाय, SVS टायर्स, टोटल टायर सॉल्यूशन इन वन यूनिट, वॉकिंग के लिए आते हैं और कुछ पल के लिए पार्क में बेंचेस पर बैठते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन बेंचेस के आसपास बियर के बॉटल गिरे हुए मिल रहे हैं, जिससे लोगों को बेंचेस पर बैठने में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि वॉकिंग एरिया में भी कुछ लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जिसे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि इस पार्क में वॉचमैन के रहते हुए इस तरह के काम हो रहे हैं। सोहम इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंस फर्नीचर।